अगर तुम अच्छा खासा कमा रहे हो तो फिर अंकल आंटी क्यों मेरे बच्चों के मुंह से निवाले छीन रहे? आप ये बात क्यों भूल जाती हैं भाभी कि वो फरीद भाई के भी माँ बाप है। मैं तो तुम्हें उसी दिन से अपनी लाइफ पार्टनर मान चुका हूँ, बस तुम्हें कुछ नजर नहीं आता सिवाय उस सफीर के। सफीर ने भी उजाला को तोहफा देने के लिए मुझसे उधार पैसे लिए थे। भाई सफीर को नौकरी से निकाल दिया गया है। देखिए आप हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ टीवी वन पर। आप से रिश्ता है प्यार का। So, ladies and gentlemen, हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बनाता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बनता। कहानी है सफीर की और हानिया की, बीच में आ गई उजाला और रिजवान। क्या होगा किसी को भी नहीं पता। रात 8 बजे आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अब सिचुएशन ये है कि सफीर को मुलाजमत के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सफ़ीर मुलाजमत के लिए बाहर नहीं गया तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। ये जो सफ़ीर का भाई है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो नहीं चाहती कि सफ़ीर के वालदैन की मदद हो, लिहाजा सफ़ीर के वालदैन को कुछ पैसे सफ़ीर के भाई देते हैं, जो उसकी बीवी लड़ झगड़ के उसके वालदैन से वापस ले लेती है। वहाँ सफ़ीर की नौकरी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस नौकरी से पहले एक अदर ट्विस्ट ड्रामे में आया है। और ड्रामे का ट्विस्ट ये है कि सफ़ीर उजाला के लिए एक गिफ्ट लेने के लिए अपने भाई से पैसे मांगता है। वो उसको पैसे दे देता है, वो लेके जाता है और कोशिश करता है कि उजाला की बर्थडे का गिफ्ट वो ले ले। वहाँ उसकी मुलाकात हानिया से होती है। हानिया वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई है। हानिया पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तो वो बताता है कि मैं उजाला के लिए गिफ्ट लेने आया हूँ। हानिया के दिल पर बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हानिया फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखती है और सफ़ीर को तोहफा लेने में मदद देती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को खोने का दुख नहीं भूले। उधर रिजवान की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से, किसी भी तरह से वो हानिया के दिल में अपनी जगह बना ले। लेकिन कहानी बहुत अजीब मोड़ पे आ गई है। सफ़ीर की नौकरी ख़त्म हो गई है, सफ़ीर को घर को सपोर्ट करने के लिए बाहर जाना है। उजाला ये चाहती है कि वो सफ़ीर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। वहाँ हानिया जो है वो अब तक सफ़ीर को नहीं भूल सकी है, और रिजवान किसी सूरत में हानिया को छोड़ने को तैयार नहीं है। सिचुएशन ये है कि सफ़ीर के वालदैन ये डिसाइड करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन वो पैसे नहीं लेंगे सफ़ीर के बड़े भाई से। अब क्या होगा ये रात को आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, ठीक रात 8 बजे टीवी वन पे। बस इतना याद रखिएगा, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुनता। सो प्लीज़ वॉच इट राइट एट 8 o'clock ओनली एट टीवी वन। बंद हो गया, रेड है, ग्रीन दे दो या चेंज कर दो, कुछ तो करो। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, दूसरा वाला माइक दे दो मुझे। जावेद भाई जल्दी से ले आए, कोई एक आदमी माइक ले आए मुझे। थैंक यू वेरी मच, मेरा कसूर नहीं है इसके अंदर। एसी से इज इट ओके, चल जाएगा, ओके डन। लाइव शोज के अंदर यही होता, देखो लाइव में किस तरह से हो रहा है। तो फैल भाई, इफ यू आर वॉचिंग दिस, दिस इज गोइंग आउट टू यू इफ यू आर स्टिल वॉचिंग। आंसू हैं जो रुके हुए, हंस के उन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रो के उन्हें मिटा भी दे। फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वोकल बढ़ाएं। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों।
तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन, तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों, किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।